हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार व्रत में खाने वाली साबूदाना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसमें आपको साबूदाना को घंटों भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मिनटों में पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन लिया है और यहाँ मैं ले रही हूँ एक कटोरी के करीब साबूदाना। अगर वजन में हम देखेंगे तो यह 100 ग्राम के करीब है। साबूदाना को हम बाउल में डाल लेते हैं और ऊपर से थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और हाथों से रब करते हुए इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी गंदगी या एक्स्ट्रा पाउडर लगा होगा वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे हम 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है, यह बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे साइड में रखते हैं और जब तक हम थोड़ी सी आगे की तैयारी करेंगे तब तक हमारे साबूदाना थोड़े से फूल भी जाएंगे। इधर गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको घी नहीं डालना है तो जो भी आप तेल व्रत में खाते हैं वह भी डाल सकते हैं। अभी घी हमारा मेल्ट हो गया है, तब हम इसमें 1 मुट्ठी के करीब मूंगफली के दाने डालेंगे और इन्हें धीरे धीरे धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रंची ना हो जाएं। अभी मूंगफली के दाने का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, इसी टाइम हम कुछ काजू भी डाल लेंगे, मूँगफली के साथ ही डालकर इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, जब मूंगफली के दाने आधे से ज़्यादा पक जाएं तभी हमें काजू ऐड करने हैं, क्योंकि काजू बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। अभी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं, तब हम इन्हें निकाल लेते हैं और जो हमारी कढ़ाई में एक्स्ट्रा घी बचा हुआ है इसमें हम थोड़े से मखाने भी डालकर भून लेते हैं। वैसे मखाने को तो हमें अलग से ही रोस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मखाना घी को बहुत ही जल्दी सोख कर लेता है और यह बिना घी के भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। अभी मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, एक मखाना उठाकर हम तोड़ कर देख लेते हैं, यह पूरी तरह से टूट रहा है। इन्हें साइड में रखेंगे, वापस से इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। घी मेल्ट होने के बाद हमने 1 बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि यह जल्दी से पक जाए। इसे भी डालकर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने से आलू का टेस्ट नाश्ते में बढ़ जाएगा। अभी आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इन्हें पकते हुए 2 मिनट हो गया है, तब हम आलू को कढ़ाई में एक साइड कर लेंगे। इन्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो साइड में घी है इसी में हम 1/2 चम्मच जीरा डालकर भूनेंगे, साथ ही 2 हरी मिर्च जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, और यहाँ पर हम कुछ करी पत्ते भी ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद हम आलू के साथ सभी चीज़ों को मिला लेंगे और जो हमने साबूदाना धोकर पानी में डालकर रखा था ना, उसका पानी हम हटा देंगे और इसी टाइम साबूदाना भी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए उसे भी भून लेंगे। फिर 1 कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर की जगह पर क्या डाल सकते हैं यह मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। टमाटर के बाद स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पे मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी नमक व्रत में खाते हैं वो डाल सकते हैं। साथ ही 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी डालेंगे। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी पानी डाला है। पानी डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई पे ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। 8 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आलू को चेक करेंगे कि आलू पक गया है या फिर नहीं। आलू पूरी तरीके से पक चुका है और साबूदाना भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून करके रखे थे ना, उन्हें भी इसी टाइम डाल लेते हैं ताकि जब हम खाएं तो इनमें क्रंचनेस बरकरार रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग टमाटर नहीं खाते हैं वह लोग इसी टाइम 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। नींबू डालने के बाद हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं होता है। तो देखा ना, मिनटों में हमारी व्रत की रेसिपी बनकर तैयार है, वह भी पूरे परिवार के लिए। अगर आप एक बार यह रेसिपी अपने घर पर बनाकर खाएंगे तो पक्का ही आप हमेशा ही यही साबूदाना खिचड़ी बनाना खाना पसंद करेंगे। तो आशा करते हैं यह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई है तो आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर से दीजिएगा। थैंक यू।